अच्छा सर, ये हमारा सेगमेंट चेंज है, ये माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन के लिए ये हमारी जो डिफरेंट 3 से 4 एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें फर्स्ट जो है ना वो हमारी ये होता ये है कि एक ही टाइम के ऊपर बच्चे ने ड्रॉ करना है, और बिल्कुल उसमें सही, क्या करना है कि वो ये देखें इस तरह करके ये यहाँ पे आएगा, ठीक राइट, है, और उसके बाद अगेन यहाँ पे। अब जब आप भी करेंगे तो आपको फील होगा कि यार मुझे बड़ी एक्यूरेसी चाहिए, और उसके बाद आपके माइंड में ना एक चीज़ चल रही होगी कि यार ये मुझे जो है ना वो अटेंशन देनी पड़ रही है। बिल्कुल इसी तरह बच्चा इस एज के अंदर जब इसको परफॉर्म करता है ऐसी एक्टिविटीज़ को, तो उसका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प होता है। राइट, तो ये हम स्टार्ट करवा रहे हैं, बेसिकली ये अब कोई करते हैं, कम्पिटिटिव या कम्पिटिशन के लेवल कोई की बात ये नहीं, एक्टिविटीज़ नहीं है, लेकिन माइंड को शार्प करने के लिए जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छी है। राइट। इसमें ब्रेन के दोनों पार्ट जो है, राइट और लेफ्ट जो है, वो दोनों जो है बिल्कुल वो एक साथ काम कर रहे एग्जैक्टली हैं। आप बिल्कुल ठीक बिल्कुल कह रहे सही, हैं। ओके ठीक है जी। अरीशा स्टार्ट करें जी। ठीक है, आपने 5 टाइम परफॉर्म करना है इसको, मिनिमम जी 5 टाइम आप परफॉर्म करवाएंगे, और ये डिफरेंट है, अभी हम चेंज भी करेंगे आपको दिखाते ये हैं। बिल्कुल इस तरह है, आप जिस तरह एक हाथ से लिखते हैं और उस दौरान आप लेफ्ट से नहीं लिख सकते, अगर आप लेफ्ट से लिखते राइट हैं हैंड का एक तो हैंड राइट से नहीं लिख दूसरा सकते दूसरा हैं, तो आप दोनों हाथों से एक ही टाइम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारा जो ब्रेन है, राइट और लेफ्ट जो है, ये दोनों तरफ किस तरीके से हमने एक ही टाइम में इसको यूटिलाइज़ करना, दोनों ब्रेन के पार्ट को, तो बेसिकली ये उसके लिए ये एक्सरसाइज करवाई जा रही है। और इसमें अलाइन भी रहना है, और आपकी यानी एक्यूरेसी भी है, और राइट, दोनों की तरफ से दोनों आप जैसा बता रहे हैं बिल्कुल लेफ्ट और राइट बिल्कुल दोनों सही, का जो क्या नाम परफॉर्मेंस लेवल है वो सेम होना चाहिए। जबरदस्त। ठीक है, वन टाइम और, ओके यस ओके। अब चेंज कर रहे हैं जी, ये देखिएगा हमारा फर्स्ट सेगमेंट हुआ, उसके बाद ये देखिएगा जी सर, अब ये क्या करना है ये देखिएगा सर, ये अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए, थोड़ा सा ये ट्रिकी हो गया हाँ है ट्रिकी हो गया, और दोनों जी। तरफ देखना है कि आप कैसे कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसी तरफ वापस जब जाना है, लिटरली आप यकीन करें सर, आपको फील होगा कि यार ये मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। सर बिल्कुल मुझे देखने में हाँ मुश्किल लग रहा है। जी बेटे, अरिशा करेंगे जी, अरिशा ठीक है, जैसे जैसे वो जबरदस्त, हाँ बबल्स हैं जिस जैसे हाँ घूम रहे हैं बिल्कुल ठीक है, सीधा नहीं आना आपने, ठीक है, एक अगेन सेकंड वापस सर, से ये हाँ बिल्कुल सही ये शाबाश, ठीक है हो जाएगा, आप ठीक है ट्राई करो, देखो सारिम ने सीख ठीक लिया है, है, एक सारिम बार कर रहा और है, एक बार और, ठीक है ये हरिम पीछे को ठीक जैसे है, पहले कर अगर रहे आप थे गौर आप। कर रहे हैं दोनों हाथों के ऊपर जो है ना वो फोकस है कि दोनों की एक्यूरेसी होनी चाहिए, ये आप देखें बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वन टाइम और जस्ट वन टाइम, ठीक है ये एक्सेलेंट, ओके ओके ले जी। अब अब्दुल राफे वेरी करेंगे गुड, आप जी, राफे ये राफे साथ में आपने बताना भी है क्या फील कर रहे हैं आप। डिफिकल्ट है सर, लेकिन परफॉर्मेंस में फोकस करने के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, ठीक लेकिन ज़्यादा नहीं है, अब है मैंने ट्राई ट्राई किया ना 2 से 3 टाइम्स, और तो मेरे लिए इजी हो गया। जबरदस्त, स्टार्टिंग जबरदस्त में प्रॉब्लम आई क्योंकि फर्स्ट टाइम गा रहा था। ओके ठीक है, थैंक यू जी। अब नेक्स्ट हमारा जो है सर ये आप जब देखिए, तक करें, इधर बच्चे एक्सपर्ट हो गए, उन्होंने अरे करना वाह, स्टार्ट, ये देखिए अरे जरा यार ये अब अगर अगर आपने नोट किया हो, मैं चूंकि आप मुझे आपने इसकी तरफ जो है ना वो जी तवज्जो दिलवाई, हमारा सारिम जो है वो बिल्कुल भी नहीं, एक जो रैप था वो भी नहीं उठा पा रहा था, अभी देखिएगा वो देखें वो जबरदस्त, उसने 2-3 उठाए, और ये ये देखिए सर, ये कितने माशाल्लाह वो क्या कर बात, चुका है, वो ओहो जबरदस्त सीख बिल्कुल। गया। इसी तरह इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी फैमिली के अंदर एक ऐसा बच्चा जो बैलून को फोड़ने से डरता था, और ये सर उसका फियर ये जी वाला था जी कि वो कह रहा था नहीं, और मैंने बिल्कुल मैंने उसको कहा कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे से बैलून नहीं फोड़ रहा, सही, तो कह रहा मामू मुझे डर लग रहा है, मेरा भांजा मामू मुझे डर लग रहा है। सर मैंने उसको थोड़ा सा ना कहा कि अली तुम कर सकते हो तुम कर सकते हो, सर मैंने जैसे ही राइट, मैं निकला हूँ उसके बाद ठीक आधे घंटे बाद मुझे कॉल आती है, और साहबिया मुझे कहती है कि मामू अली ने ना 12 से 15 बैलून अच्छा उठा माशाल्लाह के भर के फोड़े, माशाल्लाह सही, तो ये जो आप कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है। ऐसे ही अच्छा डर उतार दी, और वैसे भी और उसको समझ लगी कि इस तरह से करना है, उसकी हाँ उसने इसको लर्न कर ली। ये जी बच्चा बहुत ज़्यादा हंस रहा था, लगता है उसको जानता है बैलून जिससे नहीं हो रहे थे, आप हंस रहे थे राहे, आप जानते हो उसे। ये जानता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे भी बिलो नहीं। अच्छा हाँ जी नेक्स्ट एक्टिविटी ये देखिएगा, ले जी ये थोड़ा सा और डिफिकल्ट है लेकिन मजा आएगा आपको, ये देखिएगा ये सेम इंटरेस्टिंग, ये।
ये जी ले जी, टू टाइम आपने परफॉर्म करना, ठीक है? ओके ठीक है, शाबाश उमर भाई, दोनों तरफ जो है ना वो जबरदस्त। अच्छा, आप, ये गौर करें कि अगर टाइम मगर मैं थोड़ा सा इनके साथ शेयर कर पाऊँ तो टाइम का पता नहीं चल रहा। बिल्कुल सर। और बच्चे बहुत ज्यादा जो है ना वो इंटरेस्ट के साथ ये सारी चीजें कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसमें क्या ऐसा क्या है जो नहीं हो सकता? और हर घर में वो करवा सकते हैं, हर घर में हर कोई करवा सकता है। इसलिए तो हम कहते हैं बच्चों के साथ आप टाइम दें, थोड़ा सा जो है आपको इसके लिए जो है सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बच्चों को टाइम देना पड़ेगा। बच्चे देखें कितने खुश हैं, और इस दौरान ना तो इनको किसी स्क्रीन का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत पड़ी है, ना ही कोई और इनको कोई ज़रूरत है। आप देखें, इनको सिर्फ आपका टाइम चाहिए। आप टाइम देंगे तो ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ये फ्यूचर में बहुत अच्छे तरीके से अपनी ऑप्टिमल जो कैपेसिटी है, जो उनकी जो आप कह रहे हैं कि एबिलिटीज़ हैं, उस पर ये काम कर सकेंगे उसके अकॉर्डिंगली। वेरी गुड सर। जिस तरह स्पोर्ट्स और हेल्दी एक्टिविटीज हमारे लिए बहुत ज़्यादा, हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लिटरली यकीन करें एकेडमिकली अगर आपने अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा साउंड कर देना, एक तो उसको टाइम और उसके बाद ये पॉजिटिव एक्टिविटीज के साथ अगर आप उनके साथ इन टच रहते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, यकीन करें आपको एक्सीलेंट रिजल्ट आएंगे। अब ये थोड़ा सा और शायद डिफिकल्ट हो, ये देखिए जिगजैग जाना है, चले आप भी कर लें, बस करें, अब टच नहीं करना वैसे, ठीक है? ठीक है, ओके, टू टाइम परफॉर्म करना आपने, ठीक है? अच्छा, ये आपने इनके जो फॉर्मेट्स हैं वो चेंज कर दिए हैं? जी जी बिल्कुल, राइट, जबरदस्त, ये ठीक है, ट्राई करें अदन, आप कर सकते हो, वेरी गुड, ठीक है। और कोशिश करनी है कि आप लाइन ब्रेक नहीं करोगे, ठीक है? ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त, वेरी गुड राफे, राफे वन टाइम मोर, अभी लगेगा। अच्छा, ये अब एडवांस लेवल है थोड़ा सा उससे। बिल्कुल ठीक हो।